हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, कई बार पूरी ज़िंदगी किसी के लिए काम करने के बावजूद भी अगर कदर करने की बारी आती है तो वो व्यक्ति उसकी कदर नहीं करता, पर कई बार किसी व्यक्ति की छोटी सी मदद अगर हम कर देते हैं तो वो ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलता। सो फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड एक बहुत ही शानदार एक यूनिक स्टोरी के माध्यम से हम लोग समझते हैं और ये स्टोरी आपका माइंडसेट बदल देगी, आपकी सोच बदल देगी। इतनी शानदार स्टोरी है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और अगर आप ऐसी ही इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसी ही एनर्जी से भरपूर मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एक बार एक राज्य के अंदर एक बड़ा कठोर नियम था और उस नियम से लोग परेशान थे, क्योंकि कड़ा नियम ये था कि उस राज्य में कोई भी बंदा छोटी से छोटी गलती भी करेगा तो सबके लिए एक कॉमन सजा थी और वो सजा थी मौत। उनको मौत की सजा दी जाती थी और मौत इतनी दर्दनाक होती थी कि उस पूरे राज्य में खौफ था। कोई भी बंदा गलती करने से डरता था और सजा देने का तरीका बिल्कुल खौफनाक था। उस राजा के पास जंगली कुत्ते थे और उस बंदे को जंगली कुत्तों के बीच में उसको छोड़ दिया जाता और वो कुत्ते इतने खतरनाक थे कि उस व्यक्ति को पूरी तरह से दबोच लेते थे और उसको मार देते थे। पूरे राज्य के लोगों के सामने उस व्यक्ति को मौत दी जाती थी। तो इस सजा से पूरे राज्य में भयंकर खौफ था। और अगर बात गलती की करें तो छोटा व्यक्ति भी गलती कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़े लेवल का व्यक्ति क्यों ना, वो भी गलती कर सकता है। गलती हर किसी से होती है। एक चीज़ हमने सुनी है कि इंसान गलतियों का पुतला है। होता क्या है फ्रेंड्स, एक बार की बात है कि ऐसे ही राज्य के अंदर इतना खौफनाक माहौल था, जो भी व्यक्ति गलती करता था उस व्यक्ति को उन जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया जाता था, उतार दिया जाता था और वो कुत्ते उसको मार देते थे और वो बंदा मर जाता था। यही सजा थी और सबके लिए एक ही सजा थी। एक दिन क्या हुआ, एक मंत्री से गलती हो गई। जैसे ही मंत्री से गलती हुई तो पूरे राज्य में बातें चलने लगी कि मंत्री साहब से गलती हुई है। जब मंत्री से गलती हुई तो वहाँ पर राज्यसभा में बात की गई, पर राजा ने एक ही बात बोली कि अगर मैं इस मंत्री को सजा नहीं दूंगा तो सारे राज्य में मेरे नाक कट जाएगी और सारे राज्य के लोग जो हैं वो ये बोलेंगे कि राजा साहब ने हमारे साथ अन्याय किया है। जो नियम राजा साहब ने बनाया है कि सबको हर गलती की एक ही सजा, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, सबको एक ही सजा मिलेगी, और वो नियम जो राजा साहब ने बनाया और राजा साहब ने ही उस नियम को तोड़ दिया। तो इसीलिए राजा साहब भी मजबूर थे कहीं ना कहीं। राजा साहब ने बोला कि गलती की सजा तो जरूर मिलेगी, गलती की सजा तो वही मिलेगी जो सबको मिलती आ रही है। तो उस मंत्री ने राजा साहब को बोला कि ठीक है, क्योंकि आपका बनाया हुआ नियम है और सबके लिए नियम एक ही होता है, चाहे वो बड़ा व्यक्ति हो चाहे वो छोटा व्यक्ति हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे सजा दे दीजिए, मैं आपकी सजा के लिए तैयार हूँ। पर मेरी आखिरी इच्छा है, क्योंकि उस मंत्री को भी पता था और राजा को भी पता था और सब लोगों को पता था कि जो व्यक्ति गलती करेगा उसका मरना निश्चित है। उस मंत्री ने उस राजा से बोला, मैं आपकी बात को मानता हूँ, मैं इस सजा को भुगतने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी आखिरी इच्छा है। तो राजा ने बोला, चलो ठीक है, बताइए तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है। उस मंत्री ने 15 दिन की मोहलत मांगी और 15 दिन मैं और जीना चाहता हूँ और उसके बाद आपके नियमों के आधार पर जो सजा है उस सजा को मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो उस राजा ने बोला, चलो ठीक है, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। उसने बोला, ठीक है, तेरी आखिरी इच्छा 15 दिन जिंदा रहने की है, वो इच्छा तू पूरी कर सकता है। और उस मंत्री ने यह भी बोला कि मैं 15 दिन तक कहीं नहीं जाऊँगा, मैं इसी राज्य में रहूँगा, इसी राज्य में रह के मैं 15 दिन जीना चाहता हूँ और उसके बाद आपकी जो निर्धारित जो सजा है उस सजा को मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। उस राजा ने बोला, ठीक है, 15 दिन के बाद तुम्हें सजा मिलेगी। और इसके बाद वो सभा स्थगित कर दी गई। 15 दिन हो गए। 15 दिन होने के बाद निर्धारित समय के दौरान राज्य के पूरे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, जितने भी मंत्रीगण थे सारे लोग इकट्ठे हुए और राज्य के बीचों बीच एक अखाड़ा था जहाँ पर जंगली कुत्तों को रखा गया था। उस राजा के नियम के मुताबिक उस मंत्री को उस जगह के अंदर उतार दिया गया जहाँ पर कई लोगों की मौत हो चुकी थी, और उस मंत्री को वहाँ उतारा गया निर्धारित समय के दौरान और जंगली कुत्तों को छोड़ा गया। जैसे ही जंगली कुत्तों को छोड़ा गया तो क्या होता फ्रेंड्स, सारा राज्य, सारे लोग, सारे मंत्री और राजा शौक हो गए, क्योंकि जंगली कुत्ते इससे पहले ऐसी सिचुएशन और इस तरीके से कभी किसी ने नहीं देखे थे। क्योंकि जैसे ही
किसी भी व्यक्ति को उस जगह पे उतारा जाता था और जंगली कुत्तों को जैसे ही छोड़ा जाता था वो जंगली कुत्ते उस व्यक्ति के ऊपर टूट पड़ते थे और देखते ही देखते उस व्यक्ति को मार देते थे। पर इस बार कुछ अलग हो रहा था। इस बार जैसे ही जंगली कुत्तों को छोड़ा गया तो जंगली कुत्ते जैसे ही उस मंत्री के पास जाके पूंछ हिलाते हुए उसके ऊपर झपटने के बजाय उसको चाट रहे थे, उसको प्यार कर रहे थे, उसके सामने बैठ रहे थे, उसको मस्ती कर रहे थे उसके सामने। इस सिचुएशन में देखते हुए पूरा राज्य चौंक गया था, वो राजा भी शॉक हो गया क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा नजारा कभी भी नहीं देखा था। क्योंकि इससे पहले चंद मिनटों में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती थी, वो जंगली कुत्ते उनको मार देते थे जिस व्यक्ति को सजा हुई होती थी। पर आज क्या देखते हैं कि उस मंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ, वो जंगली कुत्ते उसके साथ प्यार कर रहे हैं, उसके सामने पूंछ हिला रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, उसको चाट रहे हैं। ये देख के सब हैरान हो गए और राजा ने उस मंत्री को बोला कि ये सब कैसे हुआ। मंत्री से पूछा ये सब कैसे हुआ तो मंत्री ने बोला आप मुझे ऊपर बुलाइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। जैसे ही राजा ने उस मंत्री को ऊपर अपने पास आने का आदेश दिया और जैसे ही मंत्री उस राजा के पास पहुंचा तो राजा ने पूछा कि आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कुत्ते आज तुम्हारे सामने जिस प्रकार से बिहेव कर रहे थे, इस प्रकार का बिहेव कभी भी कुत्तों ने जिसको भी सजा मिली है उस व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेव नहीं किया है। उल्टा वो जैसे ही छूटते थे तो उसके ऊपर झपट पड़ते थे और उस व्यक्ति को चंद मिनटों में हमारी आंखों के सामने खत्म कर देते, उसको मार देते थे। आज ये चमत्कार कैसे हुआ? तो उस मंत्री ने बोला कि राजा साहब, आपसे मैंने अपनी आखिरी इच्छा के रूप में 15 दिन की मोहलत मांगी थी और मैंने ये बोला था कि 15 दिन मैं जीना चाहता हूँ, मैं जिंदगी जीना चाहता हूँ और उसके बाद आपकी सजा मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने उस 15 दिन में क्या काम किया, मैंने उस 15 दिन में पूरी तरह से मैंने उन कुत्तों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और उन कुत्तों को खाना खिलाया, इन कुत्तों को नहलाया और इनके साथ ही अपने मैक्सिमम टाइम को, इससे ज़्यादा समय मैंने इनके साथ गुजारा और इन 15 दिनों में मैंने उनको खाना खिलाया, उनके साथ बैठा, उनके साथ उठा और उनकी फीलिंग को समझा और उनसे दोस्ती कर ली, जिसकी वजह से आज ये कुत्ते जो हैं मेरे ऊपर झपटने के बजाय मेरे साथ प्यार करते हैं और प्रेम पूर्वक व्यवहार मेरे साथ कर रहे हैं क्योंकि उनकी फीलिंग्स मेरे साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि पिछले 15 दिन का समय मैंने इनके साथ गुजारा है। इसीलिए इन कुत्तों ने मेरे साथ वो बिहेवियर नहीं किया जो बिहेवियर वो हर बार किसी भी सजा पाने वाले व्यक्ति के साथ करते थे। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी, जैसे ही वहाँ के लोगों ने उस बात को सुना तो लोग हैरान हो गए, लोग हैरान हो गए, लोग ताजुब करने लगे। राजा ने बोला अब क्या हो सकता है? तो उस मंत्री ने बोला आपके नियमों के मुताबिक जिस व्यक्ति को सजा देनी होती थी उस व्यक्ति को इन कुत्तों के बीच में छोड़ा जाना तय था और आप वो कर चुके हैं। वो अलग बात है कि कुत्तों को छोड़ने के बाद कुत्तों ने मेरे साथ बिहेव किया, आपके जो नियम हैं उन नियमों का पालन मैंने किया है और आपने भी अपने नियमों का पालन किया है, मैं उन कुत्तों के साथ में था। पर यहाँ पर राजा साहब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने इस राज्य के लिए पूरी जिंदगी काम किया, पूरी जिंदगी मैंने अपने सेवाएं दी, फिर भी आपने मेरी तरफ नहीं देखा। मंत्री से जैसे ये बात सुनी तो राजा शर्मिंदा भी हुआ, पर यहाँ पर कहीं ना कहीं नियम की बात भी थी, सबके लिए समान नियम होते हैं। फ्रेंड्स, इस स्टोरी के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि फ्रेंड्स हम जिंदगी में कई बार लोगों के लिए काम करते रहते हैं फिर भी कई बार हमें मदद की जरूरत पड़ती है तो वो ऐसे लोग कई बार पीछे हट जाते हैं और ऐसे लोग दुनिया के अंदर कई सारे देखने को मिलते हैं। पर कई बार हमारी लाइफ के अंदर ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को हमने मुश्किल से एक ही बार छोटी सी नॉर्मल मदद की होती है और वो व्यक्ति किसी बड़ी मुसीबत में भी हमारे साथ आके खड़ा होता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और फ्रेंड्स आप अपना वैल्यूएबल कमेंट करिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल वीडियो देखना पसंद है तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसे ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और एनर्जी से भरपूर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। Closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.